पूरी तरह जो है बाबा साहब को फॉलो करती है। और जिला सहारनपुर में भीम आर्मी की 350 पाठशालाएँ चल रही हैं, तो भीम आर्मी के सदस्य हैं तो खुद इसको जो है उसमें पढ़ाते हैं और चलाते हैं। कमल पालिया जी, जो आप बता रहे थे संस्था चल रही है, इसको चलाने के लिए आप इसका बंदोबस्त, पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करते हैं? हमारे जितने सदस्य हैं, जितने जो हमारी टीम गठित है सहारनपुर की, जितने उसमें पदाधिकारी और जितने सदस्यगण हैं, वो आपस में जो है चंदा इकट्ठा करते हैं खुद में, उसे डिवाइड करके जो जितना इसके हिस्से में आता है उससे जो है, क्योंकि जो वहाँ टीचर पढ़ाते हैं वो निःशुल्क पढ़ाते हैं और जो कॉपी किताबें हैं वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। कमल वालिया जी, जब 18 मई को जब यहाँ इसी जगह पर और इसी स्थान पर एक जन सैलाब आया था, उस जन सैलाब को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था, और उसके बाद में जन सैलाब धीरे 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 करके कम होता गया, इसका मुख्य कारण क्या रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जन सैलाब 21 मई को यहाँ आया था जंतर मंतर पर, और जन सर जैसा जन सैलाब पहला था ऐसे ही बीमार में जन सैलाब आज भी है, ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। लोग आज हमारे साथ पूरे देश से हैं, जब तो मेरे ख्याल 2-4 स्टेट से ही और 2-4 जिलों से ही थे, लेकिन आज पूरे देश में बीमार भारत एग्जामिनेशन काम कर रहा है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी, जो जिस तरीके से अभी चंद्रशेखर भाई को अभी आज़ाद नहीं कराया और उनको हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, उसके बावजूद भी उन्हें आज़ाद नहीं किया जा रहा है? हम आपको बता दें, मैं और चंद्रशेखर भाई दोनों एक साथ गिरफ्तार हुए थे और जमानत भी दोनों की हमारी जो है एक साथ हुई थी, उन पर रात को जो है रासुका लगा दी गई, हमारी जमानत हो गई, हम बाहर आ गए। ये सरकार नहीं चाहती कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भाई बाहर आए, क्योंकि यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें रावण जी से बहुत खतरा है, क्योंकि अगर बाहर आ गए तो शायद यूपी की सत्ता का जो है पलटवार हो जाएगा, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरी तरह अराजनीतिक संगठन है, लेकिन वहाँ की यूपी सरकार भीम आर्मी भारत एकता मिशन से बहुत घबराई हुई है, इसलिए वहाँ की सरकार नहीं चाहती कि बड़े भाई बाहर आए। आप चंद्रशेखर रावण जी के साथ जेल में थे, उनके ऊपर जेल में हमला हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? बड़ी निंदनीय कार्रवाई जेल के अंदर हुई। जी, वहाँ की यूपी सरकार और वहाँ जिले का पुलिस प्रशासन, जिन्होंने जानबूझकर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करवाया, लेकिन तब हम भाई के साथ तकरीबन 22-23 लड़के थे, उस टाइम हम लोग वहाँ थे, लेकिन अब भाई को ज़्यादा खतरा है जिला कारागार में, वहाँ का पुलिस प्रशासन लगातार उन्हें टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। और की सूचना ये भी है चंद्रशेखर रावण भाई के रसोईया को रातों रात मार दिया गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यह है कि उन्हें जो है परेशान किया जा रहा है भाई को, हम भाई से कल भी मिले थे, अभी देख लीजिए, और भाई से कल भी मिले थे, कल उनकी जो तबीयत है वो लगातार ख़राब है, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ का जो SSP है, वहाँ का जो DM है, वो नहीं चाहता कि भाई का जो है अच्छी तरह से इलाज हो, तो सहयोग नहीं कर रहे किसी भी तरह का? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब कमल पालिया जी, इस भारत देश के अंदर दुनिया भर के संगठन हैं, एक भीम आर्मी के संगठन बनने से ही इन लोगों को ऐसा क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि ये संगठन हमारे लिए नुकसानदायक है? देखिए, संगठन बहुत सारे हैं और हर संगठन जो है बाबा साहब की विचारधारा पर काम कर रहा है, लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन, लोगों का जो विश्वास भीम आर्मी भारत एकता मिशन पर जमा है, हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारीगण ये चाहेंगे कि लोगों का विश्वास ऐसे ही जमा रहे, हमारी मानसिकता लोगों के काम करने के काम आए, इसलिए लोग को विश्वास है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन शायद दलित समाज का भला कर सकती है। फिर शासन और शासन अपना नहीं है, इस संदर्भ में आप दलित समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? शासन नहीं साथ है, प्रशासन नहीं साथ है, लेकिन लोग, दलित समाज हमारे साथ है और पूरे देश के लोग हमारे साथ है, उनकी ताकत हम लोगों को जो है लड़ने के लिए इस निगम की सरकार से मजबूत करती है। जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद।